बेलगोरोद में रूस ने क्यों बंद किए बच्चों के स्कूल और जर्मनी ने यूक्रेन की सैन्य सहायता में कितनी कटौती की, आइए देखते हैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी खबरें। यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाके की आवाज से लोग दहशत में आ गए। रूस ने कीव पर एक बार फिर हमला किया, हमला ड्रोन से किया गया। यूक्रेन का दावा है कि एयर डिफेंस सिस्टम से ड्रोन को मार गिराया गया है। जमीन पर गिरे ड्रोन के मलबे से किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। यूक्रेन ने खेरसोन में रूसी ठिकानों पर हमला किया, ये हमले ड्रोन से किए गए। हमले में एक शख्स की मौत हो गई और 8 घायल है। खेरसोन का ये इलाका रूस के कब्जे में है। यूक्रेन की सेना इसे छुड़ाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। यूक्रेन की सीमा से सटे रूस के बेलगोरोद शहर पर हमले जारी है। यूक्रेन के ताजा ड्रोन हमले में एक कार चपेट में आ गई। कार में बैठे युवा जोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि की है। यूक्रेन की सीमा से लगे बेलगोरोद के इलाकों में बच्चों के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। रूस ने यह फैसला यूक्रेन के हमलों के डर की वजह से लिया है। सुरक्षा कारणों से सीमा के पास 14 गांव के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। डोनेस्क के मकीवका में यूक्रेन ने रूसी काफिले पर हमला किया। हमले में रूसी आर्म्ड व्हीकल पर निशाना साधा गया। हमले में रूस के सैन्य ट्रक में आग लग गई। किसी सैनिक के घायल होने की खबर नहीं है। यूक्रेन ने रूसी सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक किया है। हमला बंकर में छिपे रूसी सैनिकों को निशाना बनाकर किया गया। दावा किया जा रहा है कि रूस की इन्फेंट्री यूनिट तबाह हो गई। कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। रूस के पॉम एयरफील्ड पर बड़ा हमला हुआ है। हमले के बाद रूसी एयरफील्ड में भीषण आग लग गई। ये हमला यूक्रेन की सेना और फ्रीडम ऑफ रूस संगठन ने मिलकर किया। रूस की तरफ से इस हमले के बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यूक्रेन के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। जर्मनी ने अगले साल यूक्रेन को दिए जाने वाले सैन्य सहायता का बजट आधा करने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी को उम्मीद है कि यूक्रेन अपनी सैन्य जरूरतें रूस की जब्त संपत्ति से मिलने वाले लोन से पूरी कर लेगा। यूक्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक से लैस ड्रोन का निर्माण कर रहा है। इस तरह के ड्रोन आसानी से अपने लक्ष्य को पहचान कर ज्यादा सटीक तरीके से हमला कर सकते हैं। यूक्रेन का कहना है कि AI तकनीक से लैस ड्रोन को रूस सिग्नल जैम तकनीक से नाकाम नहीं कर पाएगा।